सर, वो किसी चैनल आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे दोस्तों की क्वेरी आई है कि हम मैनुअल टेस्टिंग कैसे करते हैं। पहले तो हम इक्विपमेंट जान लेते हैं, क्या क्या जरूरत पड़ती है हमें मैनुअल टेस्टिंग के लिए, किस किस इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है। जैसे कोई दोस्त रूरल में शॉप डालना चाह रहा है तो विदाउट मशीन, एआर मशीन, ऑटो डिटेक्टर के अलावा अगर मैनुअल टेस्टिंग करनी है उसको, अभी स्टार्टिंग नहीं रखना चाह रहा है, तो उसकी टूल किट क्या होती है, इक्विपमेंट क्या होते हैं जिससे हम मैनुअल टेस्टिंग कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आइए हम आपको दिखाते हैं मैनुअल टेस्टिंग की टूल किट क्या क्या होती है। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये बॉक्स होता है पूरा बना कंप्लीट आता है, इसको बोलते हैं ट्रायल बॉक्स। ट्रायल बॉक्स जो होता है, ट्रायल सेट जो होता है, ये इससे हम मैनुअल टेस्टिंग करते हैं। मैनुअल टेस्टिंग के लिए इसकी भी आवश्यकता होती है। दोस्तों आप देख सकते हैं विजन ड्रम, ये विजन ड्रम है, इसकी आवश्यकता होती है। और दूसरा जो है हमारा, ये देख सकते हैं, इसमें ये होता है हमारा, आप देख सकते हैं दोस्तों, ट्रायल फ्रेम है। ट्रायल फ्रेम लगा के इसमें लेंस चेंज किया जाता है। तो आप लोग किट जान सकते हैं ट्रायल लेंस सेट, इसके अंदर ये चीज मिलेगी आपको, जिसमें आपको लेंसेज मिलेंगे। आइए आपको दिखाते हैं, नियर चार्ट होता है, नियर चार्ट चेक करने के लिए, डिस्टेंस का आप देख ही चुके हैं। तो ये देखिए जो व्हाइट दिख रहे हैं, ये सब प्लस की पावर है दोस्तों। ट्रायल बॉक्स में प्लस की पावर इधर होती है, और स्विकेंस इसका जो होता है 0.12 से स्टार्ट होकर 0.25 से लेके ये 6 नंबर तक है सिलेंड्रिकल पावर आपकी, प्लस की पावर मैं ऐसी बता रहा हूँ। दूसरा ये स्टेप वाइज होता है, इसमें स्पेरिकल पावर देख सकते हैं आप, 0.12 मीन्स कुछ भी नहीं होता, नथिंग, आपका स्टार्टिंग 0.25 से दोस्तों होती है, प्लस की पावर मैं बता रहा हूँ। 0.25 की सिक्वेंस में आपका बढ़ता हुआ ये हम 20 नंबर तक जाएंगे, प्लस 20 नंबर बहुत ही कम लोगों को, जनरली ये 4 नंबर 5 नंबर तक इस्तेमाल होते हैं, रेयर केसेज में 20 नंबर तक जाती है पावर। तो आप ये देख सकते हैं, ये आपका प्लस की पावर होगी। उसी सिक्वेंस में आप माइनस का सिलेंड्रिकल पावर देख सकते हैं, ये लगा हुआ है जो येलो कलर का है, आप गोल्डन कह सकते हैं कुछ भी। ये देखिए, ये सिलेंड्रिकल पावर हो गया। सिलेंड्रिकल पावर में दोस्तों गोल लेंस जो है गोला आता है, देख रहे हैं, सिलेंड्रिकल पावर माइनस, सिलेंड्रिकल पावर प्लस, गोला लेंस आता है। जो स्पेरिकल पावर होती है इसमें साइड से निकला होता है, पकड़ने के काम में आता है, पहचान भी होती है इसकी, आप देख सकते हैं इसी तरह से। माइनस का भी ये इस माइनस 3.25 है दोस्तों, ये देख सकते हैं ऐसे 0.25 के डिफरेंस पे आपको मिलते रहेंगे। ये आपका ट्रायल लेंस सेट हो गया, ट्रायल फ्रेम हो गया, जिसको लगा के पेशेंट की आंख में हम चश्मे को बदलते हैं। अब देखिए मैनुअल टेस्टिंग का कोई पेशेंट आता है आपको, जनरली हम बता रहे हैं मैनुअल टेस्टिंग होती कैसे, कोई आया उसकी आपको प्रॉब्लम है, आपके पास मशीन नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं। पहले सबसे पहले आप एक वो बनाइए, डिटेल्स, प्रॉब्लम क्या है, रिक्वायरमेंट उनकी क्या है, उस तरह से जैसे उन्होंने बताते हैं, हमारी आँख से पानी आता है, थोड़ा सा अनकम्फर्ट लगता है, पढ़ते हैं तो सरवाइव हो जाता है। तो सबसे पहले जाइए उनका पावर चेक कर रहे हो, तो पावर चेक करने के लिए आप जाहिर सी बात है मशीन नहीं, ऑटो नहीं है, तो आप जाहिर सी बात है मैनुअल से करेंगे। तो दोस्तों मैनुअल से करने के लिए हम आपको दिखाते हैं, जैसे सबसे पहले पेशेंट यहाँ बैठाएंगे, आप साइड में खड़े हो जाएंगे, ट्रायल फ्रेम है, सबसे पहले आप ट्रायल फ्रेम को पहनाएंगे पेशेंट को। ट्रायल फ्रेम जैसे आएगी, मैं ही हूँ पेशेंट, मैंने पहनाया ये ट्रायल फ्रेम, मैंने पहन लिया। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप बोलिए कि दोनों आँख ओपन रखें, सामने विजन में, विजन ड्रम में फोकस करें। तो सबसे पहले इसको लगाने के बाद इसमें जो ऑक्लूडर होता है ब्लॉक करने के लिए, आपको जनरली हाथ से ब्लॉक नहीं करना, कुछ भी नहीं करना आपको इसमें, सबसे पहले आपकी जो टेस्टिंग होती है दोस्तों, तो सबसे पहले राइट आई की स्टार्टिंग होगी। तो राइट आई स्टार्ट करने के लिए आपको लेफ्ट आई ऑक्लूडर से ब्लॉक कर देना है। देखिए हमने ब्लॉक कर दिया, पेशेंट की आप दोनों ओपन होनी चाहिए, आपने लेफ्ट का ब्लॉक किया तो आप जाहिर सी बात है राइट चेक करेंगे। तो हमने जो है ब्लॉक कर दिया, अब इसमें जो है हम स्टार्टिंग करते हैं मैनुअल टेस्टिंग की बात में। सबसे पहले स्टार्टिंग होगी स्पेरिकल पावर से। तो सबसे पहले आपने नोट कर चुके हैं पहले कि आपको प्रॉब्लम क्या है, तो उसकी आप जाहिर सी बात है कि आप एज भी जान रहे होंगे, एज पूछ चुके होंगे, अगर 40 से पहले का है, 40 के बाद अगर नहीं है तो सबसे पहले डिस्टेंस वैसे चेक होना है। तो 40 से पहले है तो सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग माइनस दोस्तों, मैक्सिमम अंडर 40, 40 के पहले जो है मैक्सिमम केसेस जो है माइनस पावर होती है। तो आपको सबसे पहले स्पेरिकल पावर 0.25 से लगाने स्टार्ट करना है। इससे पहले एक और आपको ध्यान रखनी है बात, आप जैसे इसको लगा दीजिए तो सबसे पहले आप इसमें देखिए, आइए दिखाते हैं, इसमें विजन ड्रम में जो है इसमें बने होते हैं 6x60, 6x32, 6x8 विजन हमारा होता है, 6x6 जो विजन होता है। सबसे पहले बड़े अच्छा को हम पढ़ाना शुरू करेंगे विदाउट चश्मे, ऐसे लगा के, इसमें लेंस लगाने से पहले की बात है, इसको पढ़ाएंगे, जहां से पढ़ना बंद कर देते हैं, नहीं पढ़ने में आ रहा, धुंधला आ रहा, वहां से आप 0.25 स्पेरिकल पावर माइनस का स्टार्ट करिए।
आप लगाते हुए जाएंगे, लगाते हुए जाएंगे बेटर। मान लीजिए बाय द वे उसको माइनस वन तक दिख रहा है, माइनस वन के बाद आप सवा लगा रहे हैं, डेढ़ लगा रहे हैं, उस उतने की जन आ रहा है, फिर उससे घटता हुआ जा रहा है, लेकिन नीचे की लाइनें क्लियर नहीं है अभी, तो आपको पॉइंट फाइव माइनस का सिलेंडिकल वहां से उठाना है आपको। उसको समझ रहे होंगे ना, जहां से वो पढ़ना बंद कर दे ब्लर हो, वहां से आप पॉइंट टू फाइव उठाइए, उसके बाद वहां तक ले जाइए जहां तक उसको समझ में आ रहा है, जहां से उसको सेम विजन स्टार्ट हो जाए, वन में भी वही, डेढ़ में भी वही। तो वन आपको ब्लॉक कर लेना है वहां पे, वहां से आपको पॉइंट टू फाइव सिलेंडिकल नंबर जो गोल लेंस होता है उसको लगाना है। लगाने के बाद सबसे पहले 90 डिग्री रखिए, 180 रखिए, चारों तरफ मूव करा दीजिए, जहां पर उसको विजन बेटर मिले। इसी प्रक्रिया को आप करते रहेंगे, पॉइंट टू फाइव, पॉइंट फाइव, पॉइंट सेवन फाइव, सबसे पहले एक्सिस आपको जज लेना है, चारों तरफ जब लेंस को गोले को घुमाएंगे, जहां पे विजन उसको क्लियर मिल रहा है, थोड़ा सा बेटर मिल रहा है, तो उसी एक्सिस को पकड़ के आगे बढ़ते हैं, पॉइंट टू फाइव से पॉइंट फाइव, पॉइंट सेवन फाइव, इस तरह से आगे। जब उसका विजन बेटर हो जाए तो हम जो स्पेरिकल पावर है, सिलिंड्रिकल होना कॉन्स्टेंट कर लेंगे, जो स्पेरिकल पावर है उसको भी चेंज करेंगे। वन नंबर लगाए तो पॉइंट सेवन लगा के देखेंगे, वन पॉइंट टू फाइव लगा देंगे। जब 6x6 की लाइन सबसे आखिरी लाइन जब पेशेंट को पढ़ने में आ जाए, दोस्तों वहाँ कॉन्स्टेंट हो जाना चाहिए, वहाँ रुक जाना चाहिए, उसके बाद से वही सेम प्रक्रिया, सारी प्रक्रिया आपको ब्लॉक कर देना है राइट को। राइट ब्लॉक करने के बाद सेम वही प्रक्रिया दोबारा लेफ्ट में करना है, फिर इसको आप दोस्तों ओपन कर देंगे, ओपन करके उसको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पढ़ाना है, जब तक 6x6 कंप्लीट ना कर ले। बहुत केसेज में लेंस लगाने के बाद, पूरी प्रक्रिया करने के बाद भी नीचे की लाइनें धुंधली आ रही है, तो ये पिन होल होता है, और अभी आगे की प्रक्रिया बताएंगे। यहाँ तक वैसे कंप्लीट हो गया होगा, आगे की प्रक्रिया जो है नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। आप लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, इसको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। हमारे कुछ मित्र हैं, कुछ दोस्त हैं मैनुअल टेस्टिंग के बारे में जानना चाह रहे थे, तो हमने आपको मैनुअल टेस्टिंग के बारे में डिटेल्स दिए, बहुत सारे वीडियो इसके पहले भी पढ़े हुए, फुल वीडियो, शॉर्ट वीडियो, मार्किंग, टेस्टिंग, सॉरी टेस्टिंग तो नहीं, मार्किंग का, कटिंग का, कटिंग का, लेंस क्लीन का, और माइनस प्लस, अंडर 40, आफ्टर 40, ये सब वीडियो बहुत सारे पड़े हैं, चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करो, सॉरी शेयर कर सकते हैं। तो आप लोग दोस्तों इस तरह से चैनल पर बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। बहुत हमारे मित्र ऐसे हैं, फ्रेंड ऐसे हैं जो जिनको सुप्रा की वीडियो चाहिए, हमने फुल वीडियो कम्प्लीट मारा हुआ है, दिया हुआ है, सुप्रा की भी आ जाएंगे, उसमें सुप्रा के ऑलरेडी दो तीन वीडियो पड़े हुए हैं, अपने रिवलेस के भी वीडियो ऑलरेडी पड़े हुए हैं, फिर मैं बनाऊंगा, नया बनाऊंगा, अभी एक एक वीडियो हम लेके आ रहे हैं। तो आप दोस्तों मैनुअल टेस्टिंग के बारे में जो क्वेरी हो, अभी इसके अलावा भी नेक्स्ट वीडियो फिर बनाएंगे मैनुअल का, जो भी समस्या हो, जिसमें जो चीज़ ना समझ आई हो, जो चीज़ आप सलाह देना चाहें कुछ इसमें चेंजेस करने के लिए, तो आप दे सकें। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, आला फिर, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सपोर्ट करिए भाई को, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा आपको देने का प्रयास करेंगे। ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, अभी हम इक्विपमेंट के बारे में बताया, हम सारे इक्विपमेंट के बारे में वीडियो बनाएंगे, तब तक आप लोग चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप लोग।